हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम। बात काफ़ी पुरानी है, करीब 8-9 साल हो गए इस बात को। और हम लोग जयपुर से 4 दोस्त विथ फैमिली जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग, उसके बाद गैंगटॉक घूमने गए थे। कुछ पुराने फोटोग्राफ्स है, कुछ वीडियो है, तो लॉकडाउन में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर किया जाए। आगे साहब साहब बैठे थे ना आगे, इसलिए क्या इम्प्रेस है हम लोगों का, ये राजस्थान के देखो अच्छे लोग होते हैं। मतलब चल बेटा वहां चलो, चलो 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 चलो, मम्मा के पास है बेटा। छतरी इज नॉट मैटर। चलो चलो चलो, मैम सुटिया भूसवती सटी उचाली
गैंगटोक से नाथुला जाने के लिए एक दिन पहले परमिट अप्लाई करना पड़ता है, और वो सारी फॉर्मेलिटी जहाँ हम होटल में रुके थे और जिस टैक्सी वाले को किया था उस टैक्सी वाले ने ये सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग नाथुला पास के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि नाथुला पास जाते वक्त होता ये है कि 2 बजे तक तो सिर्फ एक्चुअली वो वन वे है पहाड़ों का जो रास्ता है और सारा आर्मी के कंट्रोल में है, तो 2 बजे तक तो सिर्फ गाड़ियां जा सकती है, और वो भी करीब करीब ये मान के चलिए अब 650 और 700 गाड़ियों की परमिशन मिलती है एवरी डे की। और 2 बजे के बाद वहाँ 1 घंटा रुकने के बाद वापस आती है सारी गाड़ियाँ, तो लगभग 5-6 बजे तक वापस सारी आ जाती हैं, तो पूरे दिन में इतनी ही गाड़ियों को परमिशन मिलती है। जब हम नाथुला पास जा रहे थे तो उसके बिल्कुल पास में ही एक बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे एक मंदिर है बाबा हरभजन का, उसके भी हमने दर्शन किए थे और काफ़ी अच्छा लगा था।